तो जेनीवा मोटर शो तो नहीं हो रहा लेकिन ये जरूर हो रहा है, जरूरी है वक्त फास्ट इन द वर्ल्ड एंड हियर वी गो। जी हाँ, मोटर शो तो कैंसिल हो गया था, बट क्योंकि आप कहते हो ना कि घुमक्कड़ गगन के व्लॉग्स भी पसंद है, तो लो भाई। तो भैया गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिनीवा। गुड मॉर्निंग बस 5 मिनट पहले ख़त्म हो गई है, नून है अभी, 12 बज रही है और हम ऑब्वियसली 12 बजे उठते हैं। घंटा मैं उठा सुबह 4 बजे, क्योंकि 5.5 घंटे आगे इंडिया। इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाती 9 बजे वो। अरे रे रे, डेडिकेशन देखो इनका। सुबह 5 बजे उठे, पोस्ट डाला, सो गए और अब वापस उठे हैं और अब हम निकल रहे हैं बाहर जिनीवा घूमने के लिए। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, इनका इंटरनेट ही खा गया। इनकी बातों में विश्वास मत कीजिएगा, पूरे व्लॉग में ये पहले डिस्क्लेमर है। ये बात तो सही बोल रहे हैं, इन्होंने इंटरनेट खा गया। मैं इनको बोला इंडिया की तरह इंटरनेट फ्री नहीं है, बहुत स्विट्जरलैंड में बहुत ही महंगा इंटरनेट होता है। इन्होंने कोई 20-20 GB खा गया उनका। एक वीडियो बनाया था 10 GB का 4K में, वो वॉक अराउंड पूरा जो हम गए थे ना वो कार मार्केट में अल अवीर में, वो अपलोड किया। एक और वीडियो अपलोड किया, नेटफ्लिक्स की 3 सीरीज डाउनलोड की, तो लगभग कुछ 20-30 GB तो हो गया 12 घंटे में। बहुत बढ़िया, तो ये इन्होंने बहुत सारा इंटरनेट खा लिया है। अब फिलहाल जो है इंटरनेट हमारे पास है मोबाइल में थोड़ा बहुत, बट हम जा रहे हैं ट्रेन का पास लेके जिनीवा घूमने के लिए। ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, कार से क्यों नहीं, वगैरह वगैरह की रोटी बाद में बताते हैं। सो बेसिकली जिनीवा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक टिकट लो और उसके बाद में चाहे बस में बैठो, चाहे ट्रेन में बैठो, चाहे और कहाँ बैठ सकते हैं, बोट में बैठो, कहीं पे बैठो, आप बैठ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट वो टिकट वैलिड होना चाहिए टाइम फ्रेम के साथ। गाड़ी में बैठ सकते हो बट आप जो है वो टिकट वैलिड होनी चाहिए आपकी, जब तक उसमें जो टाइम लिखा है उस टाइम फ्रेम तक। तो यूजुअली 3 Swiss franc यानी कि 3 Swiss franc कितने हो गए, लगभग 240 रुपये जो है उस की वैलिडिटी 60 मिनट की होती है। बट अगर आप पूरे दिन का पास लेना चाहो तो दो तरीके का पास है। एक पास है जो कि सुबह 5 से 9 बजे वैलिड नहीं होता पूरा, और बाकी टाइम वैलिड होता है। जो हमने लिया है जो होता है 8 franc के लगभग का, 8 franc हम दोनों का 16 franc इंटू, हाँ ये वाला पास ऐसा कितना हुआ, वही है ना, 8 franc। तो चलते चलते हमें एक ऐसी चीज़ दिखी जो देख के थे मज़ा तो नहीं आया, बट दिख गई तो बता देते हैं। पीछे देखो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिस है जिनीवा में उसके सामने हम अभी हैं, वहाँ यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। मतलब नॉट हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है बट मतलब उसका ऑफिस जिनीवा, सेकेंड बिगेस्ट यही है, इससे मतलब हेडक्वार्टर सबसे बड़ा उसके बाद यही है जिनीवा वाला। चलो भाई बैठ जाओ। टाइमर मत रखो, टाइमर फोटो नहीं हुई। तो ये जो चेयर मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ब्रोकन लेग वाली, ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लैंड माइंस के खिलाफ जो एक चीज़ हुई थी, मतलब एक कुछ तो इवेंट हुआ था लैंड माइंस के खिलाफ, उसके लिए है। बहुत पहले पड़ा था, मुझे याद नहीं है, यहाँ बहुत पहले से है बट शायद इसका बीच में कुछ तो और न्यूज़ आई थी कि इसको हटाया जा रहा है, बट आई डोंट नो, ये अभी भी यहीं है, कहीं नहीं हटाई गई है। और इनफैक्ट लैंड माइंस के साथ में कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई थी, तो वो चीज़ों को सिंबलाइज करती है कि उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें, इसीलिए इसका एक जो है पार्ट ब्रोकन है। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब स्पेशली एबल्ड वगैरह के लिए काम करती है, उन्होंने बेसिकली ये यहाँ पे बना के रखी है, उन्होंने कमीशन करवाई दी है। ओके, तो एक्चुअल रीजन यहाँ लिखा हुआ है, रिफ्यूजल ऑफ आर्म वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस ब्रोकन चेस सिम्बलाइज द फैसिलिटी स्टैंड ऑफ प्रिकॉशन स्टेबिलिटी ब्रूटलिटी, ये लैंड माइंस वगैरह की वजह से जो है इस चीज़ को लाया गया था। Here it is. Also, जिनीवा में जो है 10% पॉपुलेशन, आई गेस 10% के लगभग पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है, विच इज मीन दे आर ग्लोबल सिटीजन। मैकडी दिख रहा है हमें 60 सेकंड्स में इधर, 60 सेकंड्स में इधर, बताओ कौन से वाले मैकडी जाओगे जो 60 सेकंड में इधर है, एकदम सीधे वाले में जाएंगे। फैसल भाई ना लेफ्ट ना राइट, एकदम सीधा जाने वाले लोगों में से। अगर आपको लग रहा है कि ठंड ज़्यादा नहीं है, हम नाटक कर रहे हैं, ये देखो बैग पकड़ने के लिए भाई हाथ बाहर ना निकाल रहे हैं, यूँ ही उसको यूँ पकड़ रखा अंदर जाए गिर। एक प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये कि हर जगह स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड में हर जगह जो है वो फ्रेंच या इटालियन में लिखा है, मतलब जो इनकी स्विस लोगों की प्रेफरेंस है उसमें लिखा है। जर्मन भी, जर्मन, फ्रेंच, फ्रेंच, इटालियन, मराठी, मतलब लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखा कुछ। हाँ, और हमें समझ नहीं आ रहा था, समझ के खाएं तो क्या खाएं, ये आ गया कबाब इस्तांबुल का है,
हाँ इस्तांबुल कबाब, हाँ कबाब समझ में आ गया हमें, एक कबाब है 10,000 रुपए का। और ये पराठा देखा हमने, एक इंडियन कोई रेस्टोरेंट था उसमें पराठा 12 फ्रेंक, 12 फ्रेंक मीन्स 1,000, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए एक पराठा, 1,000 रुपए में तो मैं महीने में खाता हूँ पराठे। ओके तो थोड़े बहुत कपड़े ढूंढने हैं जो अपने पहनने के काम आएंगे, बट आपको मैं खुलासा करना चाहता हूँ, इंडिया में दो तरीके के ब्लॉगर हैं, एक तो मैं पहले जानता था जैसे कि मुंबई का निखिल वगैरह लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हैं जो कि बाहर जाते हैं कपड़े खरीदते हैं खूब सारे और फिर बड़े बड़े बैग भर के इंडिया में ले आते हैं। आज मुझे मिले हैं अल्ट्रा रिच ब्लॉगर, क्योंकि पीछे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ये अल्ट्रा रिच ब्लॉगर की खासियत क्या है, ये लोग कपड़े खरीदते हैं, स्टोर में जाते हैं कपड़े खरीदते हैं वहीं पहन लेते हैं, अरे ठंड लग रही थी ना खरीदना पड़ा तुरंत पहनते हैं वो, उसकी अल्ट्रा रिचनेस नहीं है। अल्ट्रा रिचनेस इनकी तब आती है जब वो कपड़े वापस लेके जाने होते हैं, तो दुबई में जनाब ने कपड़े खरीदे एक्स्ट्रा हो रहे थे तो वहीं छोड़ा है, यहाँ खरीदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं यहीं छोड़ देंगे, बैग में जगह नहीं है। अल्ट्रा रिच में नहीं नहीं अल्ट्रा रिच, इट्स अबाउट पेनी वाइज पाउंड फुलिश, जगह नहीं है बैग में, अब मैं एक्स्ट्रा पैसा दूं ना इतना लगेज तो 14 किलो ही इनके पास, लेंगे अलाउड 25 किलो इनको, अरे बैग में तो फिट आनी चाहिए ना। मीन वाइल मैंने अंडरवेयर ले लिए क्योंकि उनपे मेड इन इंडिया लिखा था, देशभक्ति नहीं है आपकी चड्डी खत्म हो गई थी। ये एक ट्रैम है वो बस है, ट्रैम बस, मेरे पीछे लोग फुल साइज चेस खेल रहे हैं एकदम, तो बड़े बड़े हाथी घोड़े जो है उठा के रख रहे हैं, मतलब नॉट रियल हाथी घोड़े बट ये साइज के चेस खेल रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं अभी एक ट्रैम का जो कि हमें वहाँ ऊपर लेके जाएगी कहीं, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है सिटी का, प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे, क्या है चलो। थोड़ी देर बाद हम नादानों को पता चला कि पैदल जाना होता है, और जगह पे पहुँचते ही मैंने भारतीयों वाली हरकतें शुरू कर दी। तो अटेंशन टू डिटेल देखिए, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अगर वो गिर जाए तो नीचे जो है वो आपको बनाई गई है डामर वाली सड़क, नहीं एक्चुअली ये रबड़ है, उस पर पाँव रखती है ना ये सीधे को धंस रही है, गौर से तो ये बहुत ही गजब चीज़ है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है दुनिया की सबसे बड़ी बेंच, एक्चुअली आज टेबल्स वगैरह चेयर्स वगैरह का दिन है तो मैं वो आपको दिखाने लाया हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ी है, वहाँ से शुरू होती है ऑल द वे जाती है उस कोने पे एंड में, और ये पूरी लकड़ी की है, इसको बेंच बोला जाता है, वन सिंगल बेंच बोला जाता है, हालांकि वन सिंगल नहीं है और बोले ये जॉइंट वॉइंट बना के दिए गए हैं, बट कहा जाता है कि दुनिया में इससे लंबी एक साथ मतलब एक सिंगल बेंच कहीं है नहीं। ये रिकॉर्ड तो इंडिया वाले आराम से तोड़ सकते हैं, क्यों भाई फैसल भाई वहाँ बैठे हैं बोर हो गए हैं, पीछे एल्प्स दिख रहे हैं जिनमें बर्फ़ जम रखी है, आई डोंट नो ये क्लाउड्स मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा अब टाइम लैप्स में। जिनीवा में लोगों को बाइक का खासा शौक है, बट हमारा इंटरेस्ट था सड़क के किनारे लगी ओल्ड कार्स, और नेचर में भी था जो कभी कभी थोड़ा सा नटखट लगता है, वैसे कर क्या रही है, क्या यूरोप की शाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूबसूरत बेहद खूबसूरत। तो ये तो सारे थे कल के नज़ारे, दिन बदल चुका है, आज हमें फिर से जो है जिनीवा घूमने के अलावा कोई काम नहीं है, बट फैसल भाई ने बोला है कि एक डीलरशिप है वहाँ जाके देखते हैं कुछ एग्जॉटिक कार्स वहाँ पे शायद दिख जाए, और वो अगर कोई इंटरेस्टिंग होगी तो उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो जिनीवा में बची है
वो कवर करते हैं। देखो वैसे तो जिनीवा में टूरिस्टी प्लेस बहुत है, बट मैं थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेसेस जा रहा हूँ, मतलब जहाँ लोग यूजुअली कम जाते हैं, तो वैसे जगह हम ढूंढ रहे हैं। अगर कोई मिलती है तो हम आपको बताते हैं, और नहीं मिलती तो भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग चीज़, जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे वर्सोइक्स प्लस जेनवी, वर्सोइक्स वो एरिया है, वैसे वर्सोइक्स नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता होगा, बट इंग्लिश में मुझे ये समझ में आ रहा है। तो वर्सोइक्स जो है वो एरिया जहाँ हम रह रहे हैं, और उसका ये स्टेशन है, और बेसिकली अब यहाँ एक और स्टेशन है और हम यहाँ रह रहे हैं, और ये कुछ ज़माने में ऐसा दिखता होगा, अभी तो पूरी मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह हो गई है, बट ये कुछ ज़माने में ऐसा दिखता होगा। ये लेक अभी भी है, ये लेक सामने की तरफ ही है। टेम्परेचर इनसाइड इज 22 डिग्री सेल्सियस, बाहर 2 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो मैं मास्क नहीं पहन रहा हूँ, ना ही आज फैसल भाई लेके आए, लेके आए ऑफ कोर्स लाए मास्क के साथ सोता हूँ, पता नहीं सपने में अगर कभी कोरोना वायरस आ गई तो मास्क ऐसे के लिए इसलिए नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि मास्क से होता कुछ नहीं है। मैं इसलिए पहनता था मास्क के, हाथ वगैरह मेरी आदत है बार बार फेस को टच करने की, वो ना करूँ, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि इस आदत को हम कंट्रोल करेंगे। और मैंने सैनिटाइज़र ले लिया है कल 150 रुपये देने के बाद एक बार हैंड वॉश के, तो मैंने सैनिटाइज़र ले लिया है और सैनिटाइज़र से बार बार हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ये चीज़ है। अभी आज फिर डेली पास खरीदते हैं और जिनीव की तरफ बढ़ते हैं। अब एक मास्क का एक फायदा एक्चुअली है क्योंकि इतनी ठंड चल रही होती है ना, मास्क पहनो उसके अंदर ब्लो करो, एकदम हीट पैदा करता है, गर्म रहता है आपकी ना, कोल्ड ना हो आपको। यहाँ पे देखो अखबार फ्री में मिलते हैं, ये बाइक पे ऐसा बांध लेते हैं ताकि ठंड ना लगे, फ्री। यहाँ की मालगाड़ी। तो पूरे यूरोप में मतलब बेसिकली क्या है कि शांत वातावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, दो बहुत सारी हिंदी हो गई एक साथ, यानी तो लोग जो है ऐसे शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं इसी, और डेवलप कंट्री भी है तो पैसा भी है, तो बेसिकली क्या करते हैं कई चीज़ें एकोस्टिक मेथड्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं जो लाइंस बनी हुई है, ये और यहाँ ग्लास लगे हुए हैं, बेसिकली ये हर जगह लगे हैं जहाँ भी ट्रेन गुजरती है, और जहाँ आवाज़ ज़्यादा होती है जैसे उस तरफ जो है ना उनकी गहराई ज़्यादा है सामने वालों की, क्योंकि उस तरफ से फास्ट ट्रेन गुजरती है, इस तरफ से स्लो ट्रेन जाती है, तो नेबरहुड्स में आवाज़ ना जाए ट्रेन की इसलिए लगाए गए, एक्चुअली काम भी करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ कैमरा देख के लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पीछे से यूं चलने लग जाते हैं। तो एक चीज़ जो है वो मैंने बड़ी अलग सी नोटिस की, यहाँ पे खूब सारी जगह पेंट कर देते हैं कुछ भी ऐसे लिखा है रैंडमली, ट्रेन्स पे भी कर देते हैं, गलियों में तो कर ही देते हैं ऑब्वियसली, मतलब समझ नहीं आता मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, क्या ये आर्ट वर्क है या कोई प्रोटेस्ट के चक्कर में किया है। ओ बस आ गई अपनी, तो वैसे मैं श्योरिटी ही नहीं है कि ये बस है, बट ठीक है। तो मैं कब से सोच रहा था, मैं ये बसेज वगैरह जो है ये ट्रैम आती है ये किसी तो मूवी में देखा है, फिर मेरे को भी याद आया एक था टाइगर में था, उसमें ऐसा ही माहौल, ये ट्रैम में आती है और सलमान भाई इधर उधर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तो ये वो सीन है। बट फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो यहाँ शूट नहीं हुआ था, वो आयरलैंड में शूट हुआ था। एक कार जो इंडिया नहीं आने वाली है बट लोग इंतजार करते थक ही नहीं रहे हैं, i30 कब आएगी, i30 कब आएगी, फैसल भाई i30 कब आएगी। तो जहाँ हम जा रहे हैं बहुत ही रिमोट इलाका है, कोई नहीं आता यहाँ पे। फैसल भाई क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं हम? ऐसा इलाका जहाँ कोई नहीं आता, मैं भी नहीं आ रहा। फैसल भाई बोल रहे हैं कोई नहीं आता मैं भी नहीं आ रहा, बट जाते हैं हम। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा आपको कि यहाँ कुछ नहीं है, बट हमने ढूंढा है तो कुछ तो होगा ही ना, लेट्स सी। सो टेक्निकली तो ये एक रेलवे ब्रिज है जहाँ हम आ रहे हैं, मतलब पीछे से ट्रेन आएगी और ऐसे निकलेगी जैसे ये अभी निकल रही है, बट यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हम आए हैं इसके लिए, यू सी दैट अलग अलग कलर, सो ये है अर रिवर, वो है रॉन रिवर। रॉन रिवर जो है जिनीवा लेक की तरफ से आती है, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नीचे भी आपको देख सकता है, इनफैक्ट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो वहाँ आप जो है नीचे तल भी देख सकते हैं, यहाँ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसमें सेडिमेंट्स है, ये सीधा माउंटेन से आ रही है। वैसे तो यूजुअली लोग वहाँ जाते हैं, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं ना वहाँ, ये वहाँ जाते हैं लोग, पर मुझे लगा वहाँ से क्या ही व्यू आएगा तो मैं यहाँ आ गया। सो दिस बेसिकली मीन्स इलेक्ट्रिक बस विदाउट ओवरहेड लाइंस, ठीक है इंग्लिश में। और यहाँ देखो कोई भी लाइन नहीं है बस के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं है, यहाँ आती है बस इससे चार्ज होती है, जो आप देख पा रहे हो इसमें एक कुछ घुसता है और 5 सेकंड के लिए चार्ज होती है और अगले स्टॉप पे चार्ज हो जाती है। अगले स्टॉप के लिए देखो जो वहाँ लग रखा है ना ऐसा कुछ ना कुछ लग रखा होगा और वहाँ उसमें चार्ज होने लग जाएगी। इंटरेस्टिंग, शहर भी सुंदर दिख जाएगा, इलेक्ट्रिक बसेस भी चल जाएगी। अब देखो मोटर शो के लिए आए थे और कोई भी गाड़ी ना चलाएं जिनीवा में, ऐसा तो कैसे चलेगा।
काफी खोज खबर करने के बाद हम पहुंचे जिनीवा शहर के बाहर, ऑलमोस्ट फ्रांस बॉर्डर पे। रिमेम्बर मैंने इस वीडियो में ही बोला था कि फैजल भाई एक डीलरशिप के बारे में बात कर रहे थे, और वो जगह है कारुगाटी ऑटोमोबाइल्स। चलिए कुछ गाड़ियां दिखाता हूँ मैं आपको। उरुस तो सामने ही खड़ी है। ये है फरारी F40, ये है फरारी F12, ये है कैलिफोर्निया, कोई तो एडिशन है पता नहीं। और ये मैक्लारेन इतनी सुंदर क्यों लगती है भाई। ये है फरारी F430, कुछ तो उसको कहा जाता था स्कूटर या स्पाइडर, पिनिनफर्निया डिज़ाइन की थी। और हम जिसके लिए आए थे वो है ये पगानी हुआयरा। अभी पगानी हुआयरा के बारे में अगर मैं आपको मतलब कह दूं कि कुछ भी बता दूं तो वो शायद मतलब कमी होगा। आप सिंपली इसके बारे में गूगल सर्च कीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। सलीका देखो आप, नो पार्किंग में खड़ी, इसलिए हैजार्ड लैंप चालू है। इसके भी ट्रैम के भी, वो बस है, वो ट्रैम नहीं है, ये ट्रैम है। बाइंग केला साइज देखो आप। साइज से ज़्यादा रेट देखो आप। 100 कोड डालो, रेट बताएगा आपको कम। ऑलमोस्ट 1 किलो है, कोड डालो 100, ये हो गए 3.2 फ्रैंक। कितना हुआ, कितने केले हैं? 4-5 केले। 5 केले 3.2 इंटू कर लो 300 रुपये 5 केले, 60 रुपये का एक केला, 60 रुपये का एक केला, 60 रुपये में तो 1.5 dozen केले आते हैं। अब हम यहाँ घर बसाएंगे और बहुत सारा सामान हमने लिया है। या ब्रो बस यही है आज के लिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक महंगी कार चलाते हुए। सो बेसिकली हमने ट्रेन मिस कर दी थी और फिर फैसल भाई ने एश्योरेंस दिया उनको मैं पूरी ट्रेन साफ करूंगा, तो उन्होंने बुलशिट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें फ्री टिकट दी और ठीक है ढंग से साफ करना। मैंने भी किया थोड़ा थोड़ा, अब देखो पूरा गंदगी निकाल। वेरी नाइस, वेरी नाइस।